नमस्कार भारत, मेरा नाम सौरभ है और आप सभी को इस हम्पी सीरीज के एपिसोड 1 एक्सप्लोरिंग बादामी केव्स में स्वागत है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। बादामी, जिसे पहले वटापी नाम से भी बुलाया जाता था, आज कर्नाटका के बागलकोट डिस्ट्रिक्ट में एक छिपा हुआ छोटा सा शहर है, जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है और माना जाता है अपने यूनिक रॉक कट केव्स और टेंपल्स के लिए, जो टालुकन डायनेस्टी का एक प्रतीक है। तो चलो इस वीडियो में बादामी केव्स को एक्सप्लोर करते हैं। बादामी केव्स हम लोग शाम के 4 बजे पहुंचे थे। पहले धूप बहुत तीखी थी, लेकिन समय बीतते बीतते मौसम एकदम सुहाना था इस प्लेस को एक्सप्लोर करने में। तो चलो इस केव्स के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ। बादामी केव्स में टोटल 4 फ्लोर्स है, यानी 4 केव्स हैं, और हर एक केव नया सेंचुरी और राज्य में कंस्ट्रक्ट किया गया था और हर एक केव भगवान को डेडिकेट किया गया था। जैसे कि पहला केव, ये सबसे पुराना केव है और भगवान शिव को डेडिकेट किया गया है। ये केव अराउंड 578 AD में कंस्ट्रक्ट किया गया था पूरे रेड सैंडस्टोन से। ये केव में भगवान की काफी मूर्तियां हैं जो पूरे स्टोन से कार्व किया गया है। सोचने में काफी अनइमेजिनेबल लगता है, लेकिन हाँ, यही हमारा महान भारत है। तो चलो अभी दूसरी केव की तरफ चलते हैं, वो है केव 2। ये भगवान विष्णु को डेडिकेट किया गया है और अराउंड 6th से 7th सेंचुरी में कंस्ट्रक्ट किया गया था। यहाँ से बादामी का एक पूरा व्यू मिलता है और हाँ, अगस्त्या लेक का भी, जो यहाँ का एक हाईलाइट है। तो चलो थोड़े सीढ़ियां चढ़ के नेक्स्ट केव की तरफ बढ़ते हैं, वो है तीसरा केव। ये यहाँ 4 केव में से सबसे बड़ा केव है और ये भगवान महाविष्णु को डेडिकेट किया गया है। ये केव भी अराउंड 6th सेंचुरी में कंस्ट्रक्ट किया गया था बाय द चालुक्य डायनेस्टी। बादामी केव्स का आखिरी केव को भी एक्सप्लोर करते हैं, वो है चौथा केव। ये केव काफी यूनिक है बाकी तीनों केव में से, क्योंकि ये एक महावीर जैन टेंपल है और यहाँ से अगस्त्य और भूतनाथ गुड़ी का एक शानदार नजारा दिखता है, जो कि काफी सीनिक है। ये चारों केवों को एक्सप्लोर करने के बाद हम लोग भूतनाथ गुड़ी टेम्पल जाने का डिसीजन लेते हैं, वो भी अगस्त्य लेक के किनारे किनारे चलते हुए, जो कि एक काफी मेमोरेबल जर्नी था। बादामी में हम लोगों ने बहुत सारे प्लेसेस को स्किप किया, जैसे कि बादामी म्यूजियम, शिवना गुड्डी, बादामी फोर्ट और बहुत कुछ, क्योंकि हमारे पास बहुत ही कम समय था और हमको यहाँ से हम्पी भी जाने का था, जो ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर का जर्नी था। तो चलते चलते हम सभी लोग भूतनाथ गुड़ी टेम्पल पहुँच गए और यहाँ पहुँचते पहुँचते सनसेट भी हो रहा था। तो हम सभी ने जल्दी जल्दी भूतनाथ गुड़ी टेम्पल को एक्सप्लोर किया और अगस्त्य लेक के किनारे तट बैठकर बादामी का ब्यूटीफुल सनसेट को एक्सपीरियंस किया।
फिलहाल ये वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको ये बादामी केव्स का वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले एपिसोड में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।